मास्टर प्लान में मिली शिकायतों के बाद से मार्च के महीने में एक जांच समिति बनाई गई थी। इस मास्टर प्लान को बनाने में कई बड़े अफसर शामिल हैं। इसी मसले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मास्टर प्लान के संबंध में अनेक शिकायतें मिली थी। जो भी गलतियां और गड़बड़ियां हैं उसके लिए आवास पर्यावरण की कमेटी गठित की है, गड़बड़ी ठीक करने का काम किया जाएगा। रजिस्ट्री से जुड़े मामलों पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है, गड़बड़ियों में सुधार करने की योजना बन रही है, पारदर्शिता लाने बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। हमारा लक्ष्य फेसलेस रजिस्ट्री व्यवस्था को लागू करना है। पहले सॉफ्टवेयर अलग था, अब नए सॉफ्टवेयर में थोड़ी परेशानियां आ रही है। 2 से 3 महीने के अंदर सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगा। पूरी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनता को टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हो सके और व्यवस्था में जो कुछ गड़बड़ियां हैं जिसके कारण से लोगों को गड़बड़ करने का मौका मिलता है, उन सब पर सुधार की दिशा में भी बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। रणनीति काफी हद तक तैयार है और उसमें निश्चित रूप से सभी लोगों को उससे लाभ होगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता लाकर लोगों के लिए सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर था, अभी NGDRS का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, उसमें भी कई इश्यूज आ रहे हैं NGDRS के सॉफ्टवेयर में भी, तो उसको भी हम अतिरिक्त टेक्निकल मैन पावर ला करके व्यवस्था में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 महीने के भीतर रजिस्ट्री व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चलेगी और हम इसको आगे बढ़ाते हुए हमारी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि इसे फेसलेस तक पहुंचाएं, तो फेसलेस रजिस्ट्री तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयास करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है।